बधाई देना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी को, बहुत सकारात्मक तरीके से उन्होंने, रानीखेत ही नहीं, उन्होंने कहा कि अब ये राज्य क्योंकि पर्वतीय राज्य है, इसमें कुछ अन्य जिलों की आवश्यकता है और बहुत जल्दी अब वो जिलों के गठन की प्रक्रिया को भी अब प्रारंभ करने जा रहे हैं और आने वाले समय में हमें यहाँ कुछ और खुशखबरी आज नगर पालिका के रूप में मिली है, आने वाले समय में कुछ जनपद के रूप में भी मिलेगी, क्योंकि एक पहली सीढ़ी हमने प्रारंभ कर ली है नगर पालिका के रूप में। उसके अलावा जो पेयजल की, तो ये जो आप कह रहे हैं ना जिले की बात जी, तो क्या ये 2015 में उम्मीद है 9 नवंबर को या 2015? ये तो ज्यादा बेहतर माननीय मुख्यमंत्री जी बताएंगे, लेकिन जो आपकी चर्चा हुई ना, क्योंकि मैं ये मैसेज आपका देना चाहता हूँ, नहीं तो मालूम पड़ा भट्ट जी से भी लपक लिए। नहीं नहीं बिल्कुल, इसलिए कुछ बताइए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो जिस तरीके से नगर पालिका का गठन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है, इसी तरीके से अब जनपदों की प्रक्रिया को भी अब वो आगे बढ़ाने जा रहे हैं और बहुत जल्दी हम रानीखेत में, तो उनसे अनुरोध आप कर सकते हैं, क्योंकि सबसे पुरानी मांग है रानीखेत की, तो रानीखेत को पहले घोषित कर दें और उसके बाद बाकी करते रहें। नहीं नहीं, अब इसमें ऐसा नहीं, वो सभी उनका मानना है कि इस कई जनपदों का पुनर्गठन होना है, जो नए जनपद गठित होने हैं उसके लिए वो तैयारी कर रहे हैं। रानीखेत की जो सबसे पुरानी मांग थी नगर पालिका की, उसका उन्होंने शासनादेश जारी कर दिया है और तो ये पहली सीढ़ी हमने प्रारंभ की है। तो हम जिले की मांग जो है 15 में उम्मीद कर सकते हैं या 16 के शुरू में? निश्चित तौर पर बहुत जल्दी रानीखेत जो है, समय आ रहा है कि रानीखेत को हम, क्योंकि एक हमने संगठन के रूप में तो अलग जिला बना ही दिया है, संगठनात्मक जिला हमारा बन गया है, अब प्रशासनिक जिले में भी हम उसको देखने जा रहे हैं कि बहुत जल्दी प्रशासनिक जिला भी हमारा गठन हो जाएगा। तो ये थे श्री बिट्टू कर्नाटक, जो कि सूक्ष्म कलर सूक्ष्म सलाहकार कर सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष हैं और राज्य मंत्री का ओहदा प्राप्त हैं।